जिस तरह से भिंडी खाने के शौकीन बहुत हैं, उसी तरह से भिंडी के वेरिएंट्स भी बहुत हैं, जिनमें से एक है ये कुरकुरी भिंडी। ये कुरकुरी भिंडी इतनी कुरकुरी बनती है ना कि आप इसके फ़ैन हो जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस कुरकुरी भिंडी को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 300 से 400 ग्राम भिंडी को ऐसे ले लिया था। इनको अच्छे से धोकर मैंने इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए इनको काटना शुरू करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल भिंडी काटते हैं, जैसे पहले हम हेड काटेंगे, फिर हम इसका टेल काटेंगे और फिर हम इसको ऐसे बीच में से काटेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बीज निकालेंगे और भिंडी के स्लाइसेस करेंगे। तो ये देखिए, एक तो ये तरीका होता है ऐसे अंगूठों के साथ में, और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले तो हमने ऐसे निकाल लिया है और दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, भिंडी के काफ़ी सारे ऐसे स्लाइसेस बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे करने से क्या होगा कि जो बीज होंगे ना वो अपने आप ही निकल जाएंगे और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम भिंडी के भी स्लाइसेस कर लेंगे, तो जिससे इसको तलने में बहुत आसानी होती है और ये काफ़ी कुरकुरी बनती है। तो यहाँ पर बीज निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़े बीज होते हैं, मोटे, और जब हम इनको तलते हैं ना तो ये ब्लैकिश हो जाते हैं और भिंडी का जो टेक्सचर है वो भी ख़राब करते हैं। ये देखिए, सारी भिंडी हमने ऐसे तैयार कर ली है और मैं इसके बीजेस भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, है ना, तो इसलिए इनको अलग करना होता है। तो चलिए इनको हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं जिसमें हमें सारा का सारा बैटर बनाना है। तो इसमें डालने के बाद स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अजवाइन, यहाँ पर डाल रही हैं सौंफ धनिया का पाउडर जो कि काफ़ी अच्छे से डाला है मैंने, और यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, साथ में डाल रहे हैं गरम मसाला, और ये मैंने ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर भी आएगा और टेक्सचर भी आएगा। यहाँ पर हम इसको बाइंड करने के लिए बेसन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन को डाला है, और साथ में डाल रहे हैं ये चावल का आटा, तो ये 1/4 कप है जो कि इसको कुरकुरा बनाएगा। तो आपकी भिंडी की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मसाले और किस तरह से आपको आटा डालना है। इनको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, अभी नमक भी डालना है। नमक से क्या होगा, भिंडी जो है अपना नेचुरल वाटर रिलीज़ करेगी और जिससे कि हमारे सारे मसाले और आटा इसमें अच्छे से बाइंड अप होंगे। अगर आप इसमें पानी डालना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ड्राई आपका बैटर बन रहा है, तो मैं कहूँगी सिर्फ 1 से 2 टीस्पून पानी डालें। अदरवाइज़ भिंडी के अपने मॉइस्चर से ही ना सारे के सारे मसाले और सारा आटा जो है ना इस पर कवर अप हो जाएगा, तो देर इज़ नो नीड। ये देखिए, सारा भिंडी ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो बट अगर आपको डालना है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो 1 से 2 टीस्पून पानी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर तेल को पहले बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, काफ़ी हीट पर गर्म करेंगे, और फिर अपनी भिंडी को ऐसे फैला कर डालेंगे। तो यहाँ पर पहले फ्लेम हमारी हाई रहेगी, लेकिन उसके बाद हम इसको मीडियम कर देंगे और 1 मिनट के बाद हम अपने इस भिंडी को ऐसे टर्न करेंगे क्योंकि ये चारों ओर से सिकनी चाहिए। ये देखिए, तो हम इसको अब लो फ्लेम पर कर रहे हैं, और अब ये देखिए, इसको अब हम यहाँ पर टर्न करेंगे। ऊपर से ये काफ़ी कुरकुरी हो गई है जिससे कि ये चारों ओर तक सिके। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे तो ये जल जाएगी और कुरकुरी भी नहीं बनेगी। ये देखिए, कलर इसका चेंज हो गया है, काफ़ी कुरकुरी हो गई है। अब हम इसको उतार लेते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है ये कुरकुरी भिंडी की। ये देखिए, ये सेट हमारा बनके तैयार है। इसी तरह से दूसरा भी हम बना लेते हैं। तो फैला के डालना है ऐसे भिंडी को, पहले फ्लेम हाई रहेगी, उसके बाद हम उसको मीडियम कर देंगे, और जैसे इसका कलर टर्न होता है, कुरकुरी हो जाती है, हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए साउंड, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बेल के साथ कीजिए जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हेल्दी एंड फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।